हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्या। वी आर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज द प्रीपोजिशन। एंड गाइस, दिस प्रीपोजिशन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो we have to study it very carefully, and it is a it will take many lectures. I think at least 7 lectures to cover up the entire part of this preposition. So it's introducing preposition. हम देखते हैं कि preposition होता क्या चीज़ है। पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो preposition जो है, ये प्रीपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एक वर्ड है, और जिसको जिसका मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन। ये दो शब्द से मिलकर बना है। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन मतलब होता है स्थान। तो जिसका स्थान पहले होता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, राइट। सो प्रीपोजिशन मीन्स विच कम्स फर्स्ट। और किसके पहले आता है? विच कम्स फर्स्ट बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। ये नाउन संज्ञा के पहले या संज्ञा समकक्ष के पहले आता है। तो दो चीज़ क्लियर हुआ कि प्रीपोजिशन जो है इसका स्थान पहले होता है संज्ञा या संज्ञा के समकक्ष जो इस वर्ड्स होते हैं उनके। और दूसरी चीज़ ये सोच रिलेशन, ये जो है रिलेशन बता, स्पेस में रिलेशन बताने का काम करता है। किस तरह का रिलेशन? कि ये पर्सन या थिंग्स में किस तरह का रिलेशन है ये बतलाने की कोशिश करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आई प्लेस माई हैंड ऑन द टेबल। मैंने अपना हाथ जो है टेबल पर रखा। अब ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। ऑन क्या बता रहा है कि ये तो हैंड के पहले आया है, नाउन के पहले आया है तो सही है, और ये संबंध बता रहा है कि हाथ का टेबल से क्या संबंध है। टेबल को छू रहा है, ठीक है, या टेबल के ऊपर है, तो इस चीज़ को बताने का काम जो है प्रीपोजिशन करता है। तो प्रीपोजिशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, हमने बताया। बिना प्रीपोजिशन के आप शब्द की जो है वो कल्पना नहीं कर सकते, मतलब सेंटेंस ही कल्पना नहीं कर, सेंसलेस होता है, वाक्य जो है सेंसलेस हो जाएगा। यहाँ से आन हटा दीजिए तो हो जाएगा आई प्लेस माई हैंड टेबल, आई प्लेस माई हैंड टेबल, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बिना प्रीपोजिशन के कोई सेंटेंस लंगड़ा होता है, वो काम ही नहीं कर सकता, वो समझ में नहीं, सेंसलेस निकलता है। तो इसलिए प्रीपोजिशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। हम देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन हमें पढ़ना है, और कुछ से तो हम पहले से परिचित होंगे, लेकिन यहाँ हम समूह में देखेंगे। जैसे एट प्रीपोजिशन है, अबाउट प्रीपोजिशन है, और आफ्टर प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, बिहाइंड, बियॉन्ड, बाय, डेट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, फॉर, इन, इनटू, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, थ्रू, थ्रू आउट, अप, अपान, ऑन, अपान, ओवर, दैन, टू, टिल, अनटिल, विथ, विदाउट, विदिन, टूअर्ड्स, अंडर, और बिसाइड, बिसाइड्स, ये सारे प्रीपोजिशन जो हैं होते हैं। और अब हमको क्या करना है, इन्हीं सारे प्रीपोजिशंस को पढ़ना है। तो इनको कई ढंग से पढ़ते हैं। एक तो ग्रुप में पढ़ते हैं, जैसे हम ग्रुप में समय बतलाने के लिए ये कुछ प्रीपोजिशन को हम लेते हैं। जैसे समय बताने के लिए एट को लिया, ऑन को लिया, ड्यूरिंग को लिया, फ्रॉम, सिंस,
between, before, after, around, about, throughout, till, until, under, ये सब जो है समय बताने के लिए। इसके बाद जो है स्थान बताने के लिए भी कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे एट और इन जो है ये स्थान बताने के लिए होते हैं। इसके बाद जो है समय बताने के लिए ऑन, इन, एट, बाय, ये समय बताने के लिए है। फिर इसके बाद जो है इन जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जो नज़दीक के प्रीपोजिशंस होते हैं, जो उनको जो है एक जोड़े में करके हम पढ़ते हैं, जैसे बिटवीन, एमंग, इन, इनटू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, सिंस, ऐसे करके इन, विदिन, बिसाइड, बिसाइड्स, इसको जो है जोड़े में पढ़ते हैं, जैसे एमंग, एमंग्स, एमिड, एमिड्स, ऐसे करके पढ़ते हैं। तो ये हम आपको पढ़ने का तरीका, कैसे हमारा फ्यूचर प्लान है इसको पढ़ने का, हम ये आपको आज इंट्रोड्यूसिंग प्रीपोजिशन में बता रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। जो दो दो जो वर्ड्स होते हैं या टू एंड मोर देन टू, जब ये एक एक साथ एक व्यवहार करते हुए जो है प्रीपोजिशन के साथ आते हैं अंत में, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि बाय मींस ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन अपोजिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विथ रेफरेंस टू, फॉर द सेक ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन लिव ऑफ, इन प्लेस ऑफ, विथ अ व्यू टू, इन द इवेंट ऑफ, ऐसे करके हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अलावा कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो 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 वो कई कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे एक प्रीपोजिशन लेते हैं बट, बट का, तो बट बट क्या है, बट कंजंक्शन है। कंपाउंड में बट जो है ये कंजंक्शन है, और ये जो है कंट्रास्ट पैदा करता है। जैसे ही इज वर्किंग बट हिज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ऐसे करके, तो कंट्रास्ट पैदा करता है बट, और ये कंपाउंड में आता है। तो कभी कभी ये बट का प्रयोग दूसरे ढंग से हो सकता है, जैसे बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर योर हेल्प आई कुड नॉट सक्सीड दिस प्रोग्राम, बट फॉर योर हेल्प आई कुडंट गो देयर। तो बट फॉर का मतलब यहाँ पर होता है दूसरा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिना इसके, बट फॉर योर हेल्प का मतलब हो जाएगा बिना आपकी सहायता किए हुए, या ऐसे हैड यू नॉट हेल्प आई कुड नॉट हैव गॉट सक्सेस, ऐसे हैड यू नॉट। तो बट फॉर हेल्प का मतलब होता अगर आपने ऐसा नहीं किया होता। तो कहीं कहीं कोई शब्द जो है वो कंजक्शन का प्रयोग भी होता है, कंजक्शन में प्रयोग होता है, एडवर्ब में भी हो जाता है, और प्रीपोजिशन का भी काम करने लगता है। इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन दो तीन पॉइंट जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि एक तो नंबर ये कि जितने हम प्रीपोजिशन बताएं, इन प्रीपोजिशंस में होता क्या है कि इनके शाब्दिक अर्थ नहीं होते। जैसे आपने बिफोर का मतलब पहले जान लिया या कुछ इस तरह से जाना, तो बिफोर का अर्थ कई हो सकता है, ये डिपेंड करता वो कहाँ प्रयोग हो रहा है। तो प्रीपोजिशन जो है वो उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि उसको कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ है, अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ से प्रीपोजिशन सीखेंगे तो कभी नहीं समझ में आ सकता है। तो एक शाब्दिक अर्थ जो है इसका डालने, दूसरी चीज़ है स्पेस में कैसा मूवमेंट हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु स्पेस में कई किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, कि कैसा मूवमेंट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो प्रीपोजिशन जो है हम प्रीपोजिशन के बिहेवियर से अगर सीखें तो बेटर होगा। तो इस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे इस ढंग से भी।
और तीसरी चीज है कि प्रीपोजिशन का अपना एक फिक्स्ड जो है वो संबंध होता है, वर्ब के साथ संबंध होता है, एडजेक्टिव के साथ संबंध होता है, नाउन के साथ संबंध होता है, उसको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। और फिक्स प्रीपोजिशन की एक डिक्शनरी भी होती है जिसको प्रीपोजिशनल डिक्शनरी कहते हैं। तो किस शब्द के साथ क्या लग रहा है, तो एक तो इसको जानने के लिए आप अधिक पढ़ें, अधिक प्रैक्टिस करें, अपने आप जो है वो समझ में आ जाता है क्या लगना चाहिए, क्योंकि बार बार सुनने से और प्रैक्टिस से सब संभव है। दूसरी चीज़ है, अगर नहीं अगर कोई कंफ्यूज कर गया तो आप प्रीपोजिशनल डिक्शनरी देख सकते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स जो है प्रीपोजिशन के, जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब के साथ लगे होते हैं, वो ऑलरेडी किताब में दिया होता है। तो ऐसे आज इट वॉज इंट्रोड्यूसिंग द प्रीपोजिशन। अब इसके बाद हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ये कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, idioms फ्रेज क्या होता है, एक लेक्चर इस पर दे देंगे। और तीसरे लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि प्रीपोजिशन का जो है ये स्पेस में कैसे प्रयोग होता है। स्पेस का मतलब होता है जगह, जगह का मतलब होता है जिसमें चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, तो हम उस दिन इसको बताएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।